नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अदिति अवस्थी। 2019 का साल नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाला साल रहा। इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी ने ऐसे कई ऐतिहासिक फैसले लिए जो किसी क्रांति से कम नहीं। संसद में नागरिकता संशोधन बिल पास कराने के साथ ही जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का खात्मा और ट्रिपल तलाक से मुस्लिम महिलाओं को आजादी दिलाना, ये ऐसे फैसले रहे जिनका दशकों से देश की जनता को इंतजार था। ये साल खत्म होने से पहले मोदी सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए हर बड़े वादे को पूरा करने की कोशिश की। मोदी सरकार के इसी कार्यकाल के अंदर सुप्रीम कोर्ट से ऐतिहासिक फैसला आया राम मंदिर पर। हम मोदी सरकार के क्रांतिकारी फैसलों की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात नागरिकता संशोधन बिल की, जिसको लेकर मुस्लिमों को डराया जा रहा है। रिजल्ट ऑफ द डिवीजन ऑन द मोशन दैट द बिल बी पास्ड संकल्प चाहे कितने भी बड़े हो, उन्हें पूरा करने के लिए हम दिन रात एक कर देते हैं। उन्नीस में मोदी शाह के क्रांति वाले फैसले, उनको भाजपा ने अपने वादे के अनुसार नागरिकता देने का कानून बनाया तो कांग्रेस और उसके साथी उसका भी विरोध कर रहे हैं। नए हिंदुस्तानी के लिए नागरिकता क्रांति, सीएबी का जो बिल है, इस देश के मुसलमानों की नागरिकता को किसी भी दृष्टि से हर्ट नहीं करेगा। ये नागरिकता देने का बिल है, नागरिकता लेने का बिल नहीं है। देश का इतिहास और भूगोल बदलने वाले फैसले। अब भाजपा सरकार ने हर गरीब बेघर परिवार को अपना पक्का घर दिलाने का बीड़ा उठाया है। झारखंड में 10 लाख ऐसे घर बन चुके हैं जिनको अभी घर नहीं मिले हैं, उनको भी 2022 तक अपना घर मिल जाएगा, ये आश्वासन मैं आपको दे रहा हूं। संसद में नागरिकता संशोधन बिल पास कराने के साथ ही मोदी 2.0 सरकार ने साल खत्म होने से पहले अपने बड़े चुनावी वादों को पूरा करने की हैट्रिक लगा दी है। 6 महीने पहले जब मोदी सरकार दोबारा प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई, तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी ऐसे फैसलों की झड़ी लगा देगी जो दशकों से अटके पड़े थे। भाजपा ने सिर्फ 6 महीने में दिखाया है कि संकल्प चाहे कितने भी बड़े हो, कितने भी मुश्किल हो, उन्हें पूरा करने के लिए हम दिन रात एक कर देते हैं। शीतकालीन सत्र में नागरिकता संशोधन बिल पर नया कानून बनाकर मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि 2024 तक वो अपने सभी राजनीतिक एजेंडे को पूरा करके ही दम लेगी। नागरिकता संशोधन बिल पर लोकसभा में बहस के दौरान जब कांग्रेस ने सरकार के फैसलों पर सवाल उठाए तो खुद गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभालते हुए साफ कह दिया कि वो देश हित के फैसले लेते रहेंगे। बीते 6 महीने में जितने भी काम हुए हैं, जितने भी फैसले लिए गए हैं, इनमें से अनेक ऐसे थे जो दशकों से लटके हुए थे, और ये कांग्रेस का चरित्र रहा है कि इन सारों को लटकाने का श्रेय कांग्रेस और उसके सहयोगियों को जाता है, जिन्होंने सबसे ज्यादा समय देश पर शासन किया है, देश पर राज किया है।
नरेंद्र मोदी सरकार सिर्फ सरकार चलाने के लिए नहीं आई है, देश को सुधारने के लिए, देश की समस्याओं का समाधान। मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसलों के पीछे समन्वय का इतिहास है जो पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच दिख रहा है। इसी समन्वय के बल पर मोदी और शाह की जोड़ी ने असंभव को संभव कर दिखाया है और 2019 को फैसलों की क्रांति का साल बना दिया है। शरणार्थियों के लिए नागरिकता संशोधन बिल, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का अंत, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश, ट्रिपल तलाक के खिलाफ संसद से कानून, आतंक के खिलाफ एनआईए और यूएपीए कानून। अपने दूसरे कार्यकाल में मोदी शाह की जोड़ी ने कई ऐसे क्रांतिकारी फैसले लिए हैं जिसकी राह हर देशवासी 70 सालों से देख रहा था। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि फिलहाल ये सिलसिला यही रुकने वाला नहीं है। आज जो यहाँ पानी की पाइपलाइन बिछ रही है, बीते 5 वर्षों में अगर पाइपलाइन से कनेक्टिविटी झारखंड में दोगुनी हुई है तो इसमें इस फंड का बहुत बड़ा योगदान, क्योंकि भाजपा जो संकल्प लेती है उसे सिद्ध भी करती है। और इसलिए आज भी जो हम कह रहे हैं उसको हम करके रहेंगे। कांग्रेस की सरकारें आती थी, चुनाव के समय वादे करती थी, ओबीसी के नेताओं के साथ फोटो निकलवाती थी और चुनाव गया कि भूल जाती थी, लेकिन और कांग्रेस उसको लटकाए रखती थी कि हर चुनाव में भुनाया जा सके। 2019 में बीजेपी को जबरदस्त बहुमत मिलने के बाद पीएम मोदी और अमित शाह जनता के भरोसे पर पूरी तरह खरा उतर रहे हैं। ऐसे सारे एजेंडे जो जनसंघ के समय से चले आ रहे थे वो एक के बाद एक पूरे हो रहे हैं। इन सारे क्रांतिकारी फैसलों का श्रेय मोदी शाह की जोड़ी को ही जाता है। माना जा रहा है कि मोदी सरकार के अगले एजेंडे में कॉमन सिविल कोड, जनसंख्या नियंत्रण कानून भी शामिल है। इस सरकार के हर ऐतिहासिक फैसले के बाद लोगों की नजरें अमित शाह की ओर उम्मीदों से देखती हैं, क्योंकि पीएम मोदी के हर सपने को मुमकिन करने के पीछे अमित शाह ही है। तो इंतजार इस जोड़ी की अगली क्रांति का है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक छोटा सा ब्रेक यहां लेते हैं, फौरन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इस साल पीएम मोदी के सबसे ऐतिहासिक फैसले में शामिल रहा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का खात्मा। 5 अगस्त को लिए गए इस क्रांतिकारी फैसले के बाद आज कश्मीर के हालात पूरी तरह से बदल गए। कश्मीर हमारा है, अब हिंदुस्तानी कहेगा हमें नया कश्मीर बनाना है, वहां फिर से एक बार स्वर्ग बनाना है, हर कश्मीरी को गले लगाना है। नरेंद्र मोदी सरकार की नीति है कि कश्मीर के वाम की संस्कृति को संरक्षण हम ही करेंगे और इसको फिर से दस का दस बनाएंगे। एक समय आएगा मान्यवर, मैं निराशावादी आदमी नहीं हूं, एक समय आएगा वाक्श्री भवानी के मंदिर में कश्मीरी पंडित भी पूजा करते हुए दिखाई पड़ेंगे और सूफी भाई भी वहां पर दिखाई पड़ेंगे। तारीख 5 अगस्त 2019, ये वो तारीख है जिस दिन पीएम मोदी ने कश्मीर क्रांति का आगाज किया। कश्मीर का भूगोल बदलकर मोदी ने रचा नया इतिहास। पीएम मोदी और अमित शाह ने 1.5 करोड़ कश्मीरियों को मुकम्मल आजादी दिला दी। कश्मीर की अमन पसंद आवाम को विकास की मुख्य धारा से जोड़ दिया। 5 अगस्त को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 35A खत्म कर दिया गया। जम्मू कश्मीर का 2 हिस्सों में बंटवारा हुआ। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना। लद्दाख बिना विधानसभा का केंद्र शासित प्रदेश बना। भाजपा ने आपसे ये कहा था कि देश में एक ही संविधान लागू करेंगे,
जम्मू कश्मीर में भी भारतीय कानून लागू करेंगे। आज जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हट चुका है और भारत का संविधान पूरी तरह से वहां लागू है। धरती की जन्नत की ये तस्वीर देखने के लिए देश के लोग वर्षों से इंतजार कर रहे थे, लेकिन कश्मीर में आतंक का अंत करने और शांति बहाली अगर संभव हो पाई तो सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी के साहसिक फैसले से। एक राज्य, दो झंडे और दो विधान अब बीती बात हो गई है। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में सबसे ऐतिहासिक फैसला अनुच्छेद 370 को हटा कर लिया, जो जनसंघ के जमाने से उसकी प्राथमिकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 6 महीने के अंदर दशकों पुराने राम मंदिर विवाद का भी निपटारा हो गया। 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पीएम मोदी की सौहार्द वाली क्रांति। आज अयोध्या पर फैसले के साथ ही 9 नवंबर की ये तारीख हमें साथ रहकर आगे बढ़ने की सीख भी दे रही है। आज के दिन का संदेश जोड़ने का है, जुड़ने का है और मिलकर जीने का है। राम मंदिर पर फैसला धर्म निरपेक्षता का सबसे बड़ा संदेश। अब देश नकारात्मकता को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अब देश पुरुषार्थ की पूजा करता है, अब देश पराक्रम की पूजा करता है, अब देश परिवर्तन की आस्था को लेकर के चल पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए भारत के निर्माण की नई नींव रखने के लिए सौहार्द लाने वाले क्रांतिकारी फैसले लिए। सदियों से राम मंदिर का विवाद चल रहा था, लेकिन पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल में इस पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया। और इसके अलावा मुस्लिम महिलाओं को इसी साल ट्रिपल तलाक से भी आजादी मिली। एक छोटा सा ब्रेक यहां लेते हैं, फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।